हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम करेंगे हायर परचेज अकाउंट। यानी हायर परचेज में जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज होती है और जो बेसिक होता है वो इस वीडियो में हम करेंगे, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा हायर परचेज एंड हायर परचेज। सबसे पहले हायर परचेज एंट्री स्टार्ट करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हायर परचेज है क्या। तो देखिए, सपोज अगर मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं एक ही बार में पेमेंट करके कुछ भी एसेट या कुछ भी चीज ले रही हूँ, तो इतना अमाउंट जब मेरे पास सफिशिएंट नहीं होता तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप मुझे ये चीज दे दीजिए, मैं डाउन पेमेंट कर देती हूँ और जो भी इसका अमाउंट होगा वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में देती रहूंगी। तो ये होता है हायर परचेज, जहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और जो हमारा गुड्स होते हैं या जो हमारी प्रॉपर्टी है या एसेट है, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, वो हमारे पास आ तो जाती है डाउन पेमेंट के टाइम पर, लेकिन उसकी ऑनरशिप हमारे पास आती है बिल्कुल लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पर। तो देखिए, इसको एक बार एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है जिन्होंने एक एसेट खरीदी है, एसेट्स खरीदी है तीन चार किसी वाई से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ने कहा कि भाई मेरे पास इतना सफिशिएंट पैसा नहीं है कि एसेट की जो वैल्यू है 5 लाख मैं वो पे कर पाऊँ। सो 5 लाख रुपीज एसेट की वैल्यू है और एक्स इस एबल नहीं है कि वो एक साथ पूरा अमाउंट दे पाए। तो इसने एक्स ने क्या किया, वाई के पास गया, बोला कि ये लो तुम 1 लाख रुपए अभी रख लो, बाकी के जो 4 लाख रुपए है ना उसको मैं क्या करता हूँ, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट देता हूँ या 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जितनी भी इंस्टॉलमेंट इनकी बनेगी या जो भी इनके बीच डिसाइड होगी। सपोज 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं बांट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आ गई, वाई ने कह दिया कि ठीक है तुम दे दो, पर क्या होगा कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो मुझे पैसा दोगे, मेरी एसेट तो अभी जा रही है तुम्हारे पास, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट मुझे दे रहे, अगर एनुअली दे रहे हो तो इसके 4 साल बाद इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। तो क्या बोला एक्स ने कि ठीक है मैं आपको इसके साथ इसका इंटरेस्ट भी दूंगा, यानी कि जितना अमाउंट पेबल होगा, 1 लाख मैंने अभी पे कर दिया आपको, नेक्स्ट ईयर जब मैं आपको पे करूंगा तो 4 लाख रुपए मेरा बचा हुआ है, तो इस 4 लाख पे मैं कितना परसेंट, सपोज 9% 10% जो भी उनके बीच डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो यहाँ पे हायर परचेज में यही चीज होती है कि आप डाउन पेमेंट कर देते हो, इंस्टॉलमेंट में आपकी पेमेंट्स आती हैं, कुछ भी आप पैसे एक्वायर कर रहे हो। और यहाँ पे एक और चीज है, वाई ने क्या कहा कि देखिए अगर आप मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो एक और चीज यहाँ पे सामने आएगी कि जब तक आप मुझे लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देते तब तक प्रॉपर्टी जो है, यानी जो एसेट है या जो गुड है, उस पर मेरा अधिकार रहेगा, मेरी ऑनरशिप रहेगी। अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट देने में नाकाम होते हो, अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट देने में पे करने में डिफॉल्ट हो जाते हो, तो मैं अपनी एसेट ले जाऊंगा, ठीक है। सो ये होता है हमारा हायर परचेज का सिचुएशन। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलो तो ये अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज पेस द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट इन द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, हायर परचेज में दो शब्द आपको दिखेंगे, एक हायर परचेजर, एक हायर वेंडर। इसका मतलब क्या होता है, हायर परचेज होता है जो सामान खरीद रहा है, हु इज परचेजिंग द एसेट। हम यहाँ एसेट समझ लेते हैं, कुछ एसेट खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है। हायर वेंडर होता है सेलर, Who is selling, ठीक है, जो सेल कर रहा है। सो ये तो शब्द आपको दिखेंगे, यहाँ पे हमारा एक्स खरीद रहा था तो वो हमारा हायर परचेजर था और वाई हायर वेंडर है। अब एक और चीज, अब अकाउंटिंग में हमने देखा है कि हम दोनों की बुक्स में हमें एंट्री देखनी होगी, जैसे हम बिल्स ऑफ पेबल करते थे हमारी 11th में, तो हमने देखा था कि हमें दोनों पार्टीज की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होते थे, हमें देखना पड़ता था, क्योंकि जो परचेस कर रहा है उसकी एंट्रीज अलग होंगी, जो सेल कर रहा है उसकी एंट्रीज अलग होंगी। तो आज हमें दोनों हम देखेंगे, ठीक है, हम पोजीशन का भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, बीच में मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगी कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं और वीडियोस भी बहुत कम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। नाउ स्टार्ट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग यानी बेसिकली हमें जर्नल एंट्रीज हम इसमें देखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अगर क्लियर हो जाती हैं तो हमें अकाउंट्स बनाने में इजी होता है। एक तो हमें देखनी है इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है,
एक हमें देखना है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंटर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंटर। गाइस दोनों के लिए एक दो दो मेथड है, यानी कि अगर आप हायर जो परचेजर है ठीक है उसके बुक में अकाउंटिंग कर रहे हो इसकी, तो आपके दो मेथड से अकाउंटिंग कर सकते हो। एक मेथड आपका होता है कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। दूसरा आपका होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। सेम इसी तरह आपका जो होता है हायर वेंडर के लिए भी दो सिचुएशन आ जाती हैं, एक होता है सेल्स मेथड, एक होता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, सेम जो हमारा यहाँ पे था ठीक है। कुछ भी नहीं है, दोनों ही इजी हैं। आप अगर आपको कैश प्राइस मेथड एक बार में समझ आ जाएगा तो आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी इजीली। पहले स्टार्ट करते हैं कैश प्राइस मेथड से। अब हम करें हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर और मेथड हमारा है कैश प्राइस मेथड, कैश प्राइस मेथड। नाउ जब भी हम किसी चीज को खरीद रहे होते हैं ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं यानी हमने फुल पेमेंट नहीं की, तो कैश की हमारी फर्स्ट एंट्री नहीं होगी। जो फर्स्ट एंट्री हमारी होगी वो होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि मैं आपका ये सामान खरीदूंगी, तो उसकी एंट्री हमारी हमने क्या की, हम एसेट लेके आ गए अपने पास, हमने पेमेंट नहीं की है अभी पूरी, तो एसेट मेरी क्या होती है, हमारी डेबिट होती है जब भी एसेट इंक्रीज होती है। तो एसेट्स अकाउंट एसेट्स होगा या एसेट जो भी आपकी है एक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हमने कैश का यूज नहीं किया अभी, कैश पेमेंट नहीं की, तो ऑब्वियसली जिससे खरीदा है उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पे हम हायर वेंडर लिखेंगे, हमें अभी नाम नहीं पता, अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड, और नहीं है तो टू वेंडर्स अकाउंट। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा फुल कैश प्राइस, यानी कि जो मशीन है या जो भी बिल्डिंग है या जो भी आपकी एसेट है उसका जो टोटल अमाउंट है। जैसे एक पेन मैंने लिया है, ये गोल्ड का बना हुआ है 5 लाख का, और मैंने ये खरीदा है, तो मेरे को पूरा 5 लाख का अमाउंट यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि टोटल कैश प्राइस जो है वो यहाँ पे आपका आएगा ठीक है। सेकंड, अब मैं डाउन पेमेंट करूंगी, डाउन पेमेंट के बिना तो वो सामने वाला जो भी पार्टी है वो नहीं मानेगी, तो डाउन पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट कर रही हूँ तो किस जिस इंसान के पास पैसा जा रहा है, जो पैसा रिसीव कर रहा है, ऑब्वियसली डेबिट द रिसीवर हमारा एक रूल होता है, सो डेबिट करेंगे हम किसको, जो रिसीव कर रहा है, यानी वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, कैश अकाउंट जितना भी डाउन पेमेंट होगा, डाउन पेमेंट ठीक है, ये आपकी एंट्री हुई डाउन पेमेंट के टाइम पे। थर्ड, अब देखिए डाउन पेमेंट कर दी मैंने, अब मेरा इंटरेस्ट लग रहा होगा साल के आखिरी में, यानी कि ये दो एंट्री होगी जब मैंने खरीदा है, जब भी मैंने खरीदा है यानी स्टार्टिंग में या बीच में। अब साल खत्म हो गया, साल के आखिरी में मेरा इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा, सो व्हेन एंड इंटरेस्ट ड्यू किया गया है, यानी कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। जब भी मेरी लायबिलिटी बढ़ती है ठीक है, तो मेरे को क्या होता है, मेरी लायबिलिटी क्रेडिट होती है। यहाँ पे लायबिलिटी किसके थ्रू किसके तहत बढ़ी है, वेंडर के लिए, तो इतना तो क्लियर हो गया कि मुझे वेंडर को क्रेडिट करना है। और मेरा इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस, हमारा इंटरेस्ट जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब देखिए इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब मुझे इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों का अमाउंट अलग अलग होता है, अलग होता है यानी कि मैंने कुछ जैसे इंस्टॉलमेंट मैंने कहा कि 1 लाख की पे करूंगी और उसके अंदर आपका 20,000 इंटरेस्ट है, तो 20,000 यहाँ आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट में पूरा अमाउंट जाएगा, जो भी मेरा इंटरेस्ट है प्लस जो मेरी कैश प्राइस का मैं पेमेंट कर रही हूँ। तो फोर्थ एंट्री मेरी हो जाएगी व्हेन एन इंस्टॉलमेंट इज पेड,
यानी इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ। इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूँ यानी कैश या बैंक से पे कर रही हूँ, तो इतना तो क्लियर है कि कैश और बैंक जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। और डेबिट क्या जाएगा, जिसको पेमेंट की जा रही है, यानी कि जिस जो इंसान रिसीव कर रहा है। तो कौन रिसीव कर रहा है, हमारा वेंडर। तो यहाँ पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, अब मैंने कुछ एसेट खरीदी थी, उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी एसेट पे कुछ डिक्रीज ही नहीं हो रहा हो, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिफ्थ एंट्री होगी व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, क्योंकि साल के आखिरी पे आप सारे अकाउंट्स क्लियर करते हो, डेप्रिसिएशन भी लगाते हो, इंटरेस्ट जो आपका होता है उसको पे करने के लिए ड्यू करते हो। तो जब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि हमारा डेबिट होगा, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मेरे एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा है, यानी एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो जब भी मेरी एसेट डिक्रीज होती है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे हम ऑन कैश प्राइस, कैलकुलेट ऑन कैश प्राइस। वन मोर थिंग, सपोज मैंने क्या देखिए, कैश प्राइस था मेरा 1,05,00,000 का, ठीक है, पर मैंने क्या कहा कि अब मैं इंटरेस्ट भी दूंगी, तो इंटरेस्ट पूरा ही कैलकुलेट करने के बाद, यानी सारे इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करने के बाद अमाउंट कितना जाता है, 6,00,000, ठीक है, 6,00,000 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये 6,00,000 जा रहा है, पर एक्चुअल कैश प्राइस कितना है, 5,00,000। तो जो डेप्रिसिएशन है वो मेरा कैश प्राइस पे कैलकुलेट होगा, ना कि उसके टोटल अमाउंट पे। इसको हम कैश प्राइस बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हायर परचेज अमाउंट, यानी कि जितना हमने हायर परचेज में इसको पेमेंट किया है, ठीक है। तो कैश प्राइस पर जाएगा, कभी हायर परचेज अमाउंट पे नहीं जाएगा। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो कैलकुलेट होगा। नाउ सिक्स एंट्री, अब साल का आखिरी मतलब आखिरी दिन है, साल खत्म हो गया, तो जितना भी इंटरेस्ट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, P&L अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे P&L में डेबिट साइड जाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो टू डेप्रिसिएशन और टू इंटरेस्ट। जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो यहाँ, इंटरेस्ट का यहाँ, दोनों का कैलकुलेट करके P&L अकाउंट में। तो ये होता है हमारा कैश प्राइस मेथड इन द बुक्स ऑफ परचेजर। तो देखिए, सबसे पहले हमने सामान खरीदा, उसके बाद डाउन पेमेंट की, उसके बाद इंटरेस्ट हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ, फिर हमने इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर हमने जो डेप्रिसिएशन था अगर वो चार्ज किया, उसके बाद P&L में उसको ट्रांसफर कर दिया। सो ये हमारा था इन द बुक्स ऑफ परचेजर कैश प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग। अब हम इसी का दूसरा मेथड करते हैं और ये वीडियो आज इधर ही खत्म कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जो वेंडर थी उसकी बुक्स में करेंगे। सो नाउ इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड किसकी बुक में कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। सो नाउ सेम, सबसे पहले देखिए, आप कोशिश कीजिएगा, अगर साथ साथ समझ सके तो समझिएगा, अगर दोनों की नोट्स आप बना के रख ले तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि कैश प्राइस इजी होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती, और इंटरेस्ट सस्पेंस भी उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, कुछ अलग चीज नहीं है, बस एक दो एंट्रीज में आपको डिफरेंस दिखेगा। नाउ सी, सबसे पहले यहाँ भी हमने एसेट परचेज किया है, तो व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड, व्हेन एसेट इज एक्वायर्ड, तो हमारी एंट्री क्या होगी, सेम होगी जो हमने कैश में की थी, कैश प्राइस मेथड में की थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है। सेकंड हमारा क्या है, फॉर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए यहाँ डिफरेंस आएगा, इन डिफरेंस क्या है, कैश प्राइस मेथड में हम हर साल उसका इंटरेस्ट खुद कैलकुलेट करते हैं, पर इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या करते हैं, हम जैसे ही हमने एसेट अक्वायर किया है, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक नया अकाउंट बनाते हैं जो होता है हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और उसको डेबिट कर देते हैं, और वहीं से हर साल की पेमेंट्स निकाल के ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए, वो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यहाँ हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, हायर
purchaser interest suspense account debit, to hire vendor account, ठीक है, यहाँ आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट, देखिए डिफरेंस कहाँ आया, जब भी हम नॉर्मल चीज में क्या इंटरेस्ट का जो हमारा ड्यू होता था वहां हम क्या कहते थे, वेंडर अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी कि वेंडर तो हमारा क्रेडिट हो रहा है जब हमारा इंटरेस्ट हमने टोटल में किया, पर एक न्यू अकाउंट बन रहा है जिसमें हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं। थर्ड क्या आएगी हमारी, डाउन पेमेंट की, हमने डाउन पेमेंट करनी है, सो व्हेन डाउन पेमेंट इज मेड तो वेंडर के पास पैसा जा रहा है वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, फोर्थ एंट्री हमारी होगी इंटरेस्ट रेलिवेंट पीरियड के लिए हमें लगाना पड़ेगा, सो यहाँ पे हम करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑफ द रेलिवेंट पीरियड, अब देखिए इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे आएगा टू हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया था, हर साल हम अलग अलग कर रहे थे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पर यहाँ पे हमने पूरा अमाउंट एक बार जाके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और उसी को बार बार एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को फिर क्रेडिट करते गए, लास्ट में जाके वो निल हो जाएगा जब हमारा इंटरेस्ट सारे पेड हो जाएंगे। अब देखिए फोर्थ एंट्री होगी, फिफ्थ एंट्री हमारी सेम होगी, व्हेन इंस्टॉलमेंट पेड, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश जो भी आपका यूज कर रहे हो, ठीक है। सिक्स्थ अकाउंट, सिक्स्थ एंट्री व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, यानी कि मोस्टली एंट्री सेम है, बस इंटरेस्ट वाली एंट्री में दो एंट्रीज में आपका फर्क आ जाएगा पर ईयर के हिसाब से, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। नाउ सेवेंथ जो एंड में होगी वो होगी फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये होती है हमारी सारी एंट्रीज, देखिए ये हमने आज की है सिर्फ इन द बुक्स ऑफ परचेजर, कैश प्राइस मेथड में हमारी ये सारी एंट्रीज हुई हैं, छह एंट्रीज, और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हमारी सात एंट्रीज हुई हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन द बुक्स ऑफ वेंडर करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंटरेस्ट जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो भी, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी वीडियो देखिएगा तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार फिर से आपको कह दूं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो।